प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पढ़ुआ कका आभासी चौकी परस आई सैठम चौकी बाजी है। आई फेब्रुअरी के कतेक 17 तारीख सन 2022 विक्रम संवत के अनुसार से 2078 साल फागुन मासक 5 गते बृहस्पति दिन है हम रिकॉर्डिंग कर रहा छी। साँझ में अहाँ सब धरि पहुँचत शुक्र के भोर से या आइयो पहुँच सकैए देख सुन के तो अपन अपन सुविधा अनुसार। सरसैठम चौकी भाजी हम लोड कने रहूँ जनकपुर से, वाईफाई के सुविधा नहीं रहे, एयरसेल के डाटा प्रयोग कलूँ। हम कमेंट में नीचा लिखनऊ है 40 घंटा लगले अपलोड हो में। तो नेपाल के डेटा सिस्टम की कत जा रहा से बड़ा कठिनाई कहना है मुश्किल। आ वाईफाइयो के तहिना रहे सुबिशु कहो काल कनी गड़बड़ करते रहे, आई काल की कनी ठीक है, आब आई केना रहे नहीं कही। आ मौसम में तो किछु सुधार भेलै से तो जे नियमित देखे से अंदाज केने हेबे, पूरा पलिया ओढ़ल जखा भारी भरकम पहिर के बैस पड़े छल फोनों के आगू में। आइ कनिक हल्का स्वेटर से काज चल वाला दिन में रौद उगल छल निक से काठमांडू में, तो हवा में फगुनाई के सुगंध से हो ना अथी होइतो में प्रदूषण होइतो में रौद में किछु उष्णता के दम आबि गेल छै। पानि छुबैत लगै छलै जेना करेंट लगै से पानि में कनी प्रेमाभास छुबिते कनी आनंद आबऽ वाला तेहन माइट में बात्सल्य जकरा कहै छै। पहिने पहिने हमरा याद अइ बेसी थाकल रहली स्कूल से अयली बच्चा रहिए तो माय कहै कि नहीं नीचे में हम राजू आइ काल्हि तऽ कोनो बच्चा इसकुल से लौटे वाला कोनो बच्चा के माँ नहीं कहते थे जे कनी नीचे में ओढ़ा जो, लेकिन माइट माये जका होइ छै से माइट में बात्सल्य के अनुभव होवे वाला कई दिन के बाद फिर देखबे गर्दा उड़ लगते। ऐसे पहिने छलै शीत के चलते कनी केना केना लागै छलै, अखन कनी माइटो में बात्सल्य छै। आकाश में रंगक खेल खास कऽ कऽ सवेर में देखबै तहन साँझ में देखबै तहन खास कऽ कऽ साँझ में एकदम आनंद आयत। देखते खेत सबके देखियो कतेक आनंद आयत, हरियर डांट पर सरसों फुलायल पियर पात सब कनी हरियाई लेने, कोनो कोनो जल्दी मजर वाला आम से मजर लागल से जनकपुर में देखलिए बारामसिया रहे कि से मज्जर से हो आम पर देखा गया, यद्यपि एतेक जल्दी नहीं होबक चाही। तो ये बसंत के मौसम आखिर शिव आ पार्वती के मनमुग्ध करे वाला मौसम, शिवराति के मौसम कहे जे एतिक बात किया करे लगली, ए दुआरे करे लगली जे वातावरण के जोगाव के आवश्यकता छै। वायु प्रदूषण भ रहल है बढ़ रहल है, जे ऊर्जा के अत्यधिक प्रयोग भ रहल छै ओकरा बदला में सौर्य ऊर्जा के प्रयोग बढ़ाबी। जल प्रदूषण तो बड़का विशाल समस्या जका जनकपुर में देखलिए। एकटा हमरा के निक लागल कोनो कोनो पोखर में जो बोतल सोतल फेंकने रहे छे ओकरा जाल फेंक कर से सफाई करके के नगरपालिका करे छै या महंत सब करे छथिन नहीं कहब, लेकिन वो हमरा निक लागल। आ खराब लागल जे अखनो उतबे एक दिन पहिने साफ केने रहे छे बेचारा सब, आ 2-3 दिन के बाद फिर जहिना के तहिना। आ से स्थिति यहाँ के कोनो छोट मोट तालाब में नहीं कि गंगा सागर में, धनुष छत्र में, दशरथ तालाब में, अर्घजासर में, अहू सब में रत्न सागर पहुँच के हमरा मौका नहीं भेटल, लेकिन बड़को पोखर सब में ये जल प्रदूषण के बाद भूमि प्रदूषण संभवतः जरा गंदा उठाव के सिस्टम कहे छै व्यवस्था कहे छै देश के नगर पालिका सब में कनी नम्हर नगर पालिका में उपमहानगर पालिका में सबसे ध्वस्त स्थिति साथ जनकपुरे के हेतै। किया नहीं के बारे में सोचे जाए छै हमरा बड़ा आश्चर्य लगे है।
नगरपालिका के उपमहानगरपालिका के यदि क्षमता नहीं छे तो एमे प्रदेश सरकार के किछ अग्रसरता लेबक चाही, संघीय सरकार के गुहारक चाही जे हमरा से नहीं सम्हरल। व्यवस्था तो केनाइ जरूरी छे, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जे छे से तो बढ़ रहल छे, ओकरा व्यवस्थापन नहीं करबे तो पूरा शहर कतबो नीक अहाँ सड़क बना लियौ, कतबो किछ कऽ लियौ, तो उ नहीं छे संभव नहीं। आ फेकहू वाला सबके सड़के पर जे फेंक दै छै, एकटा खोज के कोनो कोना पर जैठम से एकठम से उठाबे में ट्रैक्टर वाला सबके सुविधा हेतै सेहो नहीं। एकटा बरियाती में शामिल होबे के मौका भेटल, नया पेंट कैल, नया बिल्डिंग, आ बरियाती में तो देले जाय छै, पान सुपारी देल जाय छै, एकटा कोन व्यक्ति रहत पान खाक आ नया पेंट कैल में, नया बिल्डिंग में, सार्वजनिक बिल्डिंग में थूक दलखिन सीढ़िए लग में, देखियो तो अपना सब में कहिया एतै। एकर किछ जागरूकता बढ़ावे के पान खेनाइ निक बात छै, खराब बात नहि छै। ओकर थुकू के एकटा जगह होइ छै, बड़ ओहन शौक लगैए तऽ एकटा थुकदानी लऽ कऽ चलू न, ओहन तऽ छै न एकटा कोना में कतौ जाकऽ माइट पर जे से सोख लेतै, तेहन किछो हेतै न ओकर उपाय। आ जे सब आप पान सुपारी दै छियै तिनका सबके इहो एकटा जिम्मेवारी बनैए जे आब थुकदानियो के व्यवस्था तहन करियौ, आ घोषणा कैल करियौ जे यदि थूक के होय तऽ कृपया थुकदानिये में जाकर थूकू। आइकाल्हि बाथरूमो नहि रहि गेल छै थूक वाला, वाश बेसिनो एते गंदा भऽ जाइ छै, दोसर आदमी के प्रयोग करय में ओहिठाम घिन लागे के अवस्था आबि जाइ छै। तो से भूमि प्रदूषण ई सब जोड़ल छै जलवायु परिवर्तन से। यदि जलवायु परिवर्तन अहि गति में बढ़त जतै तऽ बहुतो किस्म के समस्या मानव सभ्यता पर आव सकैए, आ एकर बेसी बात तो विशेषज्ञ सब कर सकै छथि, लेकिन हमरा लागल जे कम से कम चर्चा जे एहिके बारे में सोचू, एहिके बारे में किछु पढ़ू। आ हम लिंक सेहो एकटा दऽ देने छी, नेपाली में छै, बेसी लिंक नेपाली में, एक दूटा हिंदी में सेहो, एहि बेर हम अंग्रेजी के लिंक नहि राखलहुँ हँ। ओना जे लिंक देखऽ जायवला लोक रहै छै से तऽ अंग्रेजी बुझैवला बेसी लोक सब, नहि तऽ जे खाली सुनयवला छी से तऽ ओहुना लिंकमे ओतेक रुचि नहि रहैए। तथापि हम लिंक राखके एकटा कहै छै ने जे देखऽ चाहै छथि तिनका तऽ कमसँ कम भेटै। आ दोसर बात उठाबके छल कोविड महाव्याधिके संक्रमण दर किछु कम जरूर भेलैए एहि पारके नेपालके बात करब तऽ मृत्यु दर प्रतिशतमे कहबै तऽ बहुत बेसी घटल नहि छै। आ स्कूल कॉलेज सब खुजि रहल अइ, क्लब सब सेहो खुजि रहल छै, रेस्टोरेंट सब खुजि रहल छै, तऽ सब गोटे जे आब व्यक्तिगत रूपमे भौतिक रूपमे सहभागी होयब तऽ किछु दिन के लेल मास्क के आदत लगाइए के राखू। कनि कठिनाइ तऽ जरूर होइ छै बाजब भूकमे, लेकिन नहि किछु तऽ प्रदूषणसँ तऽ पक्के बचत। आ ओहुना खोका कालमे जे नीचा मास्क तानि लै छै से नहि, खोका कालमे आओर बेसी जरूरी छै, खोका कालमे तऽ राखबे टा करू। आ एहिके चलते बीड़ी सिगरेट पियवलाके सेहो किछु कम होयत, गुटखावला सबके सेहो किछु कम हेतनि, बहुत फायदा छै मास्कके। पूर्वी एशियामे तऽ जापानमे कोरियामे हम देखै छियै बहुत दिनसँ ओहुना मास्कके चलन छै। तऽ ई आ अपनो सबके क्षेत्रमे दक्षिण एशियामे जैन धर्मावलम्बी सब धार्मिके कारणसँ सही मास्कके चलन छै, तऽ नाक मुँह झाँपनाइ खराब बात नहि छै, नीक बात छै। एकरा किछु दिन कमसँ कम आओर चलाबी, संक्रमण दर अहूसँ जाधरि नहि घटि जाइ छै, अखन 6-7% पर आबि गेल छै टेस्ट करायलके संख्यामे, एक के आसपास जहन चलि अतै तऽ कनिक ढील लेल जा सकैए, लेकिन 6-7 सँ 1 बहुत दूरके यात्रा छै। ताहि दुआरे अखने निश्चिन्त भऽ कऽ से भेनाइ, खास कऽ कऽ भीड़ भाड़ वाला जगह पर, घर दुआरमे तऽ नहियो कोनो बात नहि। आ
ओहि पार वाला सब जे सब छी जे सुनै छी से तऽ जानिते हेबै अहाँ सबके तऽ बड़ा अखन चुनाव छोड़ि कर के चर्चाए नहि भऽ रहल अइ। पाँचटा राज्यमे शायद चुनाव छै, गोवामे, पंजाबमे, उत्तराखण्डमे, उत्तर प्रदेशमे आ एकटा हमही बिसरि रहल छी, अहाँ सब तऽ जानिते हेबै जे होइ। तऽ ई जे चुनाव सब अइ, ई चुनाव अखन अगिला लोकसभाके जे चुनाव हेतै ओकर रिहर्सल जकाँ छै। तऽ केना जाइ छै दक्षिण एशियाके भू राजनीति आबयवला दिनमे, ओकर एकटा वेदर कॉक कहै छै अंग्रेजीमे, जे हावा केम्हर बहै छै से तऽ किछु तऽ बुझेतै। ओना बेर बेर कहै छी जे मुगल 600-700 वर्ष शासन कलकै, हिन्दू खतरामे नहि रहै, 350-300 साल अंग्रेज रहलै, हिन्दू खतरामे नहि रहलै, 70 साल कांग्रेस शासन कलकै, हिन्दू खतरामे नहि रहै, अइ 7-8-6-7 वर्ष भारतीय जनता पार्टीके शासन छै तऽ हिन्दू बड़ा खतरामे छै। तऽ हिन्दूके खतरा कतऽ छै से कतऽसँ छै से तऽ बुझिए गेल हेबै। भारतके एकता खतरामे हेतै यदि एहि किसिमके राजनीति चललै तऽ। आ भारतके एकता खतरामे रहके मतलब भेलै जे दक्षिण एशिया एक नहि विश्वके राजनीतिमे उथल पुथल भेनाइ। तऽ दुनिया भरिमे भारतके सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिके लऽ कऽ चिन्ता छै, आ चिन्ता बढ़तै कि घटतै से तऽ ई चुनाव सबके बात बुझायब। अहू पार चुनावके चर्चा अइ, खास कऽ कऽ स्थानीय सरकारके, मुदा जेनाकि आओर विषय सब छै ताहिके चलते अखन ओ ओझलमे छै आ बहुत खर्चीला भऽ गेल छै चुनाव सब। आ अर्थतन्त्र जे छै से डबाडोल अवस्थामे छै, देखियौ केना जाइ छै। एहि पारके एकटा आओर जे अखन बड़ा हल्ला मचौने अइ, MCC कहिके, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कहिके अमेरिकाके एकटा योजना छै, जाहिके अन्तर्गत ओ किछु गरीब देश सबमे पूर्वाधारके विकासके लेल अनुदानके रूपमे लगानी करै छै। पहिने एहन लगानी वर्ल्ड बैंक करै छलैए, एशियन डेवलपमेंट बैंक करै छलैए, अमेरिकाके लगलै जे ओकर किछु भू राजनीतिक लक्ष्यके आगाँ बढ़ाबके लेल पूर्वाधारमे लगानी केनाइ जरूरी छै। पूर्वाधारमे लगानी हेतै तऽ अर्थतन्त्र किछु ऊपर जेतै, रोजगारीके सृजना हेतै, व्यापार किछु बढ़तै, खास कऽ कऽ यातायातमे आ ऊर्जामे, दूटामे यदि लगानी हेतै तऽ यातायातमे लगानीके अर्थ होइ छै यातायात शहरीकरणके बढ़ावा दै छै, यातायात बाजारीकरणके बढ़ावा दै छै, यातायातके चलते किछु सामान्य जनके सुविधा पहुँचै छै। आ ऊर्जामे लगानीके चलते दक्षिण एशियामे ऊर्जाके अभाव तऽ होना जे छै से तऽ बहुत तऽ छैहे, तऽ ई ऊर्जाके अभावके पूर्ति करऽके लेल सेहो उपयोगी हेतै कहिकऽ नेपालोके लेल 500 मिलियन US डॉलर तऽ कोनो बहुत बेसी पाइ नहि छै, खास कऽ कऽ कहबै जे बहुत बड़का रकम छै से बात नहि छै। आ नेपालके अपन रकम खर्च करऽके क्षमता सेहो कमजोर छै। एकर लाभ कहबै तऽ तत्कालके लाभ बड़का व्यापारी सबके, बड़का सप्लायर सबके हेतै। तऽ हमरा यदि पूछब तऽ केओ कहैए जे कि पास होबक चाही कि नहि, तऽ हम कनि दुविधामे भऽ जाइ छी, जे शुद्ध रूपसँ आर्थिक दृष्टिकोणसँ यदि कहबै तऽ नेपालके अखन क्षमता विकास नहि भेल छै। एहि एतेक बड़का योजना सब जे अबै छै ने, तऽ देश भीतरके जे गैर बराबरी छै तकर आब कहियो ने मधेशीके एहिसँ खासे लाभ होबयके हमरा सम्भावना नहि बुझाइए। देशपर एकाधिकार खसारे वर्चस्वके जे छै ताहिके चलते उएह बात, कोहि नृप हो हमहु कहानी, चेरी छोर न होय ब्राणी। जाधर राजनीति अपन ट्रैक पर नहीं आते त
तो आर्थिक विकास जो रहते ओकर लाभ वर्चस्ववादी समूह के पहुँचते तो तई किसिम से हम दुविधा में रहे छी। लेकिन वो दुविधा होइतो में पास होबक चाही से कह के हमर एकेटा अर्थ है जे मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के साथ किछ प्रतिबद्धता नेपाल सरकार केने छै। उ प्रतिबद्धता एकटा सरकार के रहत में भेलै, दोसरो सरकार ओकरा निरंतरता देलकै, तो सरकार के विश्वसनीयता सरकार तो कायम रहै छै, परंपरा रहै, व्यवस्थाओं बदल जाय छै, तो पुरना सरकार के प्रतिबद्धता के पुरना व्यवस्था के प्रतिबद्धता के नया व्यवस्था के मानव पड़े छै। यदि पंचायत व्यवस्था किछ प्रतिबद्धता केने रहै तो ओकरा प्रजातांत्रिक सरकार के मानव पड़लै, प्रजातांत्रिक सरकार किछ प्रतिबद्धता केने रहै तऽ गणतांत्रिक सरकार के स्वीकार करय पड़लै। आ ई जे प्रतिबद्धता व्यक्त केने छै से तऽ गणतांत्रिक सरकारे केने छै। तऽ देश के विश्वसनीयता जोगाबे के बात भऽ गेल छै, जहाँ अंतरराष्ट्रीय एकटा प्रतिबद्धता व्यक्ति केने व्यक्त केने छियै, अनुबंध में हस्ताक्षर केने छियै, आ तब कहै छी जे नहि आब एहिमे हमरा सुधार कऽ दिअ, एकरा आब हम अखन नहि करबे, चुनाव के बाद करबे, अखन समस्या अइ, खारिज करू, हमर गठबंधन टूटि जायत। आइ छलै बैठक, पता नहि की निर्णय भेलै, हम रिकॉर्ड अखन कऽ रहल छी, अखन धरि कोनो एकर सूचना नहि आयल छै। तऽ ई हमरा कनि राजनीतिक ईमानदारी नहि लगैए, कूटनीतिक ईमानदारी नहि लगैए। कोन सलमान खान के कोन फिल्म में रहे जे कथी डायलॉग, एक बार जो मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो किसी की नहीं सुनता, खुद अपने आप को भी नहीं सुनता। तो देश के कैल कमिटमेंट से बाबा, तो लाभ हानि से अलग जाकर देश के विश्वसनीयता जोगाब के लेल लाभ हानि अखनो हमें बात के दोहराएब जे अइ किस्म के योजना से देश के हानि बेसी छै, हानि कम कर के उपाय करू, व्यवस्था करू, आंतरिक ओकर अनुगमन के व्यवस्था करू, की कयल जा सकै छै, नियम कानून कोन किस्म से बनायल जा सकै छै से व्यवस्था करू। अहाँ के अपन संविधान अइ, अहाँ के अपन नियम कानून अइ, जे कयल जा सकै छै, अंतरराष्ट्रीय अनुबंध छै, अंतरराष्ट्रीय नियमन के इकाई सब छै, अपन क्षमता नै पहुँचैए तऽ अंतरराष्ट्रीय सलाहकार के राखि कऽ अनुगमन कराउ, की करय पड़ैए से करू। मुदा जे कमिटमेंट कऽ देने छियै ओहिसँ पाछा हटनाइ तऽ ई आश्चर्य लगैए। पूर्व प्रधानमंत्री भेल पुष्प कमल दहाल भेलथि, झलनाथ खनाल भेलथि, माधव नेपाल भेलथि, पूर्व परराष्ट्र मंत्री उप प्रधानमंत्री भेल उपेंद्र यादव भेलथि, नारायण काजी श्रेष्ठ भेलै, एहनो व्यक्ति सबके एकटा कूटनीतिक शिष्टाचार जकरा कहै छै डिप्लोमेटिक डिसेंसी सेहो राखि कऽ एहिके विरोध में बाजऽ के सोहाइ नहि छै। लेकिन भऽ रहल छै ओकर कारण की छै, एकटा बहुत बड़का कारण हमरा जेना लगैए, एकटा नवका नव शीत युद्ध, जेना पहिल शीत युद्ध तत्कालीन सोवियत संघ आ अमेरिका समूह के रहै, अखन की छै जे चीन एकटा अमेरिका के चुनौती देबय वाला शक्ति के रूप में उदय भेलै। ओहि पार के किछ लोक सब बड़ा भारत चीन के तुलना करैत रहै छन, भारत चीन के तुलना करक स्थिति में चीन से तुलना योग्य भारत नहि रहि गेलै। एकटा समय रहै जे तुलना होय, आब तुलना योग्य नहि छै। भारत के तुलना बांग्लादेश से करियौ, पाकिस्तान से करियौ, इंडोनेशिया से करियौ, चीन से तुलना, चीन के तुलना आब अमेरिका से होइ छै। तऽ ई नव शीत युद्ध में चीन आ अमेरिका के जे दूटा खेमा बनलै, खास कऽ के चीन के खेमा में रूस, सोवियत संघ के विघटन के बाद जे ओकर जिम्मेवारी लेने रूस, ओकर राष्ट्रपति पुतिन के साथ लगै छै जे हमरा नेतृत्व में ई शीत युद्ध आगा नहीं जा सके, हम चुनौती नहीं दे सकै छियै। लेकिन चीन के संगे भऽ कऽ, शी जिनपिंग के संगे भऽ कऽ अमेरिका के चुनौती देल जा सकैए। त
तो चीन के खेमाबंदी एक भरल से नया शीत युद्ध के रूप में आ यूरोप के कतिपय देश अखनो अनिर्णित है। ओ अनिर्णित भेला के कारण से किछ पश्चिमाए के पक्ष में बाध्यता के चलते आ जे पश्चिमा के चीन के पक्ष नहीं लेब चाहे से तटस्थता के नाम पर चीन के पक्ष में ते किस्म के जे गुटबंदी भ रहल छै तेकर प्रभाव नेपालो में मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन वाला कम्पैक्ट में देखा रहल है। चीन बहुत लगानी कयने छै, बहुत खर्चा कयने छै, कम्युनिस्ट सबके एकीकरण करे में लगानी कैलकै, तकर बाद पत्रकार मार्फत बुद्धिजीवी मार्फत वातावरण बनाब में एतेक बेसी लगानी कयने छै जे एहिसँ पहिलका बेर हम गाम गेल रहूँ तो मसूरपट्टी तक में एक युवा हमरा रोक के पूछलथि जे अहाँ MCC के बारे में किया नहीं स्पष्ट से बजै छियै। तो हम ओ युवा के कहलियनि जे अहाँ MCC के हमरा पहिने फुल फॉर्म आ स्पेलिंग कहू तकर बाद हम अपन विचार करब। तो से तो नहीं जानत रहथिन हुनका जे ई प्रचार राजनीतिक दल सब पहुँचैने छै चीन पक्षीय तेकरा पचा कऽ से MCC के विरोध में ठाड़ कने एतेक जमीनी तह तक पहुँच गेल छै तो जे सरकार के आगू में चुनौती तो बड़का छै। तो ई चीन आ अमेरिका के जे अखन शीत युद्ध छै एकर प्रभाव देखियो यूक्रेन में जेना लागै छै जेना जे ई शीत युद्ध से कहीं उष्ण युद्ध नहीं शुरू भ जाय तेहन परिस्थिति भ गेल छै। ओकरो हम MCC के विवाद के बारे में चुनाव के माहौल के बारे में नव शीत युद्ध के बारे में सबटा लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचा से राखि देब। आ ई शीत युद्ध में देखियो शीत युद्ध में हमेशा की होय छै जे बड़का देश सब तो बाँच जाय छै भोग पड़े छै छोटका देश सब के। शीत युद्ध जँ उष्ण युद्ध में परिवर्तित होय छै तऽ कतौ होय छै अफ्रीका के छोटका देश सब में, लैटिन अमेरिका के छोटका देश सब में, एशिया में जहिया जे कमजोर रहे लाओ में, वियतनाम में, तहिया कोरियाओ कमजोरों में गनाए एहन जगह सब पर ओकर प्रभाव पड़े छै। तऽ ई चीन आ अमेरिका के शीत युद्ध के प्रभाव सेहो जे पड़तै तऽ पाकिस्तान में देखा सकैए, श्रीलंका में देखा सकैए, नेपाल में, अफगानिस्तान में हाथ देबसँ तऽ बुझाइए चीनो डराइ छै जे जे अपने जरियो के दोसर के जराबऽ चाहे ओकरा पर केओ हाथ नहि लगबै छै। अमेरिका के कोन राष्ट्रपति अखन हम नाम बिसरि गेलियै ओ कहने रहथिन जे जा धरि हमरा केओ मारा आयत हमर सुरक्षा हमरा बचाव सकैए, लेकिन हम मरि जायब तऽ मरि जायब, लेकिन एकरा मारि के छोड़बै वला जे हेतै आत्महनता तो ओकरा से हमरा कोनो सुरक्षा नहीं जोगाब सकैए। ते दुआरे ओ सुरक्षा पर हमरा बेसी विश्वास नहीं है। तो से अफगानिस्तान में रूस के से हाल कलकै, अमेरिका के से हाल कलकै, आ रूसो से पहिने बेलायत के सेहो से हाल भेल रहे। तो ओ अपने बल्कि हम बर्बाद भ जायब लेकिन दोसर के नहीं छुअ देबै तो अपने बर्बाद होबय वाला के से लोग दूरे रहे छै। तो अफगानिस्तान के नहीं लेकिन ई चीन आ अमेरिका के शीत युद्ध के असर से ई देश सब में देखतै। आ एहिमे यदि देखतै तो ओकर असर से अछूता भारत नहीं रह सकैए। दुर्भाग्यवश भारत के अखन कोनो विदेश नीति नहीं छै। जे नीति छै भारत के अखन गृह नीति छै आ विदेश नीति सीधा सीधा छै जे जते भ सके सबसे ठीके क के राखी जैसे हमरा भीतर हस्तक्षेप नहीं होय। अमेरिका के जी हाँ हाँ, चीन हमर क्षेत्र लऽ लेलक तैयो जी हाँ हाँ, सी जिनपिंग के, पुतिन जे नहीं हमरा से संबंध बहुत बढ़िया सोवियत संघे के काल से रहल है तऽ जी हाँ हाँ, सबके जी हाँ हाँ क के कोनो कूटनीतिक रूप से जे कहबै अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मतलब भारत जेना छैहे नहीं मंचे पर नहीं छै तेहन भ गेल छै। लेकिन असर पड़तै
तो से वही पार में हमरा आश्चर्य लगे जे राज्य जे छे से छै सरकार जे छे से छै संसदों में भारत के बारे में बात नहीं उठे छे। मीडियाओ खाली एकटा हिजब पकड़ के वही के पाछा सब दौड़ रहल है। बुद्धिजीवियो सब पर राष्ट्रनीति क्या भारत के एहन बर्बाद भ गेल ते के बारे में वही पार खासे चर्चा नहीं होइ छे। लेकिन जे छै से त छै स्थिति संतोषजनक से नहीं है। आ हमरा के त जे कहे छे ने जे चक्कू गिरे कदीमा पर या कदीमा गिरे चक्कू पर कटायत लिखल के रहे छे। कदीमा के त जहिना 30 वर्ष तक पंचायत काल में अमेरिका के पाछा लाग क नेपाल ध्वस्त रहल। आब ई चीन आ अमेरिका के द्वंद में यदि पड़ते तो और की हाल हेतै। भविष्य के प्रति चिंतित होब के अवस्था त अहु पार छै नेपालियो सब के छै। कर की सकै छी एहन में करै सकै छी जे अपना के प्रचारबाजी के पाछा नै दौड़ी कनिक विचार क के सोच क आ चर्चा करी। चर्चा जे करबे ने कहे छे ने जे हमरा कहने की हेतै ककरो कहने त की होइ छे होब वाला त जे छै से होइए ही वही जो राम रचि राखा का करी कथी का करी तर्क बढ़ावे साखा से छै से त छै हे जे करथिन से करथिन अल्लाह खुदा गॉड परमेश्वर भगवान जे करथिन से करथिन। लेकिन कम से कम बहस करबै चर्चा करबै तो ओकर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़े छे। हवाओ जे सुने छे ने त हवा कहीं ल जाय छे। एकटा जापानी कोनो खिस्सा हम पढ़ने रहिए जे बहुत नीक खिस्सा रहे पूरा त हमरा नै याद है। एकटा प्रेमी अपन प्रेमिका से बिछड़ल रहे छे आ कत गेले नै जानैत रहे छे तो की करे छे एकटा बोतल में अपन प्रेम पत्र लिख क ओकरा कर्क से बंद क के आ उ नदी में बहा दै छे। नदी से ऊ चल जाए छे समुद्र में समुद्र से बहत ऊ पहुँच जाए छे हांगकांग में हांगकांग में ककरो ऊ भेटे छे ऊ बोतल ऊ बोतल में ऊ पढ़े छे प्रेम पत्र तो जेकरा भेटे छे तेकरा लगे छे जे हमरे ले लिखल है नहीं तो हमरा ईश्वर हमरा लग केना पटेबते तो ऊ खोजे जापान में पहुँचे छे। हम अनुवाद में पढ़ने रहे बहुत दिन पहिने पूरा खिस्सा नहीं याद है। देखियौ नदी से बहाल बाद समुद्र होइ तो यदि कतौ पहुँचे छै त अहाँ गाम में चर्चा करबै चाहे के दुकान पर चर्चा करबै सड़क पर चर्चा करबै। चर्चा मतलब विरोध में नारा सपोर्ट में नारा नहीं कि चर्चा के मतलब तर्क राखि कऽ अपन विचार राखि कऽ पूछि कऽ जे की भ रहल छै तऽ अहाँ जहन पूछबै प्रश्न करबै तऽ व्याख्या करऽ पड़तै ककरो तऽ तै किसिम के यदि चर्चा हेतै तऽ ओकर असर पड़तै। आ शीत युद्ध में चाहे ओ उष्ण बनि जाय ओहन युद्ध में बड़का बड़का राष्ट्र सब जे रहतै तऽ ओहिमे खुकरी लक लड़ाई करत नेपाली नहि जा सकै छै। ओहिमे नैतिक बल के बात रहतै नैतिक बल में देश भर के सब गोटे के एक के बद्धता के बात रहते आ एक के बद्धता निर्माण प्रश्न क के होइ छै। एक बद्धता निर्माण पक्ष में आ विपक्ष में नारा लगा के नहीं होइ छै तो से प्रत्येक व्यक्ति अपना जगह से योगदान कर सकैए। अंत में राख लौं हां श्रद्धांजलि वाला बात सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के बड़ शांत महाप्रस्थान। देखियौ समवेदना अंत कोनो चीज के नहीं होइ छै। एकटा विज्ञान के भौतिक शास्त्र के सिद्धांत छै ने जे ऊर्जा के नष्ट नहि कयल जा सकैए परिवर्तित कयल जा सकैए तऽ से बात होइ छै। नष्ट किछु नहि होइ छै पाथर फोड़बै तऽ बाउल भ जाइ छै आ ओहिसँ माटि बनि जाइ छै आ माटि जमल तऽ फेर पाथर बनि जाइ छै। पानिसँ भाप उड़ल भाप उड़ि कऽ बादल बनै छै बादल बरसै छै बहि कऽ अबै छै फेर पानि होइ छै तऽ नष्ट नहि होइ छै न गर्दा धूलाके नष्ट होइ छै न पानि नष्ट होइ छै
न अग्नि नष्ट होइ छै किछो नष्ट नहि होइ छै परिवर्तित होइ छै रूपांतरित होइ छै तऽ उमेर एकटा पहुँचल श्रद्धांजलि महाप्रस्थान यदि ईश्वर में विश्वास करै छी तऽ कहियो निर्वाण भेटै शांति भेटै आ बाचाल भप्पी लहरी के चीर मौनता बड़ा देखते आनंद होइसले हुनकर चेहरा देखते आवाजो किछु बुलंद नीक लागै छल टीवी में देखे में संगे संगे नेपाली साहित्यकार तारानाथ शर्मा देखियौ हम बात करने छलौं जे प्रश्न करक चाही तारानाथ शर्मा के हरेक राजनीति से हमर असंतुष्टि हुनकर शुरू के राजनीति कम्युनिस्ट वाला वामपंथी हमरा कहियो कम्युनिस्ट वाला विचारधारा ओतेक उपयुक्त नहीं लागल वामपंथी तक ठीक छै समाजवाद जे छै असमानता घटाबे के समानता स्थापित करक के लेल ओइ के लेल राज्य के किछ भूमिका ई सब सम सहमत छी लेकिन राज्य के एकाधिकार के बात करते की भ जाय छै वर्चस्वशाली समुदाय के एकाधिकार भ जाय छै जे कि बहुलता युक्त समाज के लेल खतरा छै तै हिसाब से नेपाल सन के देश में हम एकाधिवादी एकाधिकारवादी वामपंथी के साम्यवादी सबके विरोध में रहल छी त तारानाथ शर्मा से से असहमति तै के बाद ओ झर्रो के नाम पर हिंदी साल शब्द के तालव्य स के दंत स बना देनाय अपने ओ शर्मा के शर्मा लिख लागल रहथिन तारानाथ लगलन जे बड़ा ही कनी संस्कृत वाला नाम छै त ताना बना देलखिन अब लिया टीएन सेहो कर सके छलखिन अंग्रेजी में जना हम सी के कह लेने छी लेकिन ओहू में हमरा असहमति फिर पंचायत काल में महेंद्रमाला नाम के एकदा वर्चस्वशाली समुदाय के वर्चस्व के निरंतरता देव वाला मधेशी के होचियाब वाला जनजाति के होचियाब वाला नारी द्वेषी पाठ्य पुस्तक के निर्माण में हुनकर जे भूमिका रहे तहु से हम असहमत लेकिन विलक्षण प्रतिभा के साहित्यकार एहन सल्प शब्द शिल्पी जे कहू नहीं हम जे कनी नेपाली सीख के हुनकर महेंद्र माला से किसी तो सीखने हेबे जरूर यद्यपि नीक तहियो नहीं लागे जे की छै से आ हुनकर जे लेखन सब पढ़लिए लेख सब संपादित कैल पुस्तक सब तो लागल जे व्यक्ति के गुण अपन होइ छै दोष कालखंड से लेल रहै छै तो एकटा कालखंड के उत्पाद रहथिन हुनकर दोष सब अपन कालखंड से लेल रहै गुण रहै त हुनको श्रद्धांजलि आ अइ लिंक सब देल अइ अहिना गप सब छै अइ बेर सेहो जनकपुर में गोटे भेटल रहै जे सर चूंकि बाजी तो करे छियै लेकिन कोनो एकेटा विषय पर करती है हम कहलिए हम तो अब अनुसंधानदाता तो नहीं छी नहीं आ एकेटा विषय पर कर के लेल ओहि पर कनी अध्ययन कर पड़ते समय देव पड़ते अही में तो हमरा कतेक मेहनत पर कर पड़े छै हम ही जानै छी गप तो गप्पे छै लेकिन गप्पो में किछु खास तो कर पड़े छै नहीं तो जते संभव भ रहल है तते कर रहल छी ओहु पर किछु विचार करबै अहिना समय जाय देर नहीं लगे हमर बात सुनलो बहुत बहुत धन्यवाद किशोरी जी सबके कल्याण करथिन हुनकर कृपा बनल रहे सब पर सावधानी बनाइए के राखी पूर्व सावधानी जो है बहुत महत्वपूर्ण है मिल कर रही एक दूसर से प्रेम बाटी तीक्तता के घटाबी मुदा प्रश्न कनाई नहीं छोड़ी जय जय किशोरी जी प्रणाम।